द नगरी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हम ऐसी विधानसभा सीट की बात करने जा रहे हैं जहां दोनों ही प्रमुख पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, और वो सीट है लक्ष्मणगढ़ की सीट। लक्ष्मणगढ़ सीट पर बीजेपी ने वापस सुभाष मेहरिया पर विश्वास जताया है। वहीं कांग्रेस ने पीसीसी चीफ और दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा को मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मणगढ़ के जातिगत समीकरण के बारे में। लक्ष्मणगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या 53,392 है। इनमें से हिंदू वोटर्स लगभग 32,222 हैं, जो कुल आबादी का 60.35% है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम वोटर्स करीब 21,074 हैं, वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी के वोटर्स 7,752 हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के वोटर सिर्फ 174 के आसपास ही हैं। आपको बता दें, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट राजस्थान के सीकर जिले में आती है। साल 2018 में लक्ष्मणगढ़ में कुल 52% वोट ही पड़े थे। साल 2018 में कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जोशी को 22 वोटों के साथ हराया था। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद सिंह डोटासरा ने 98,227 वोटों से जीत का चेहरा देखा था। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश जोशी ने 76,175 वोटों से हार का सामना किया। बात करें साल 2008 के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा को और बीजेपी से दिनेश जोशी को चुनाव के मैदान में उतारा था। साल 2008 के विधानसभा चुनावों में गोविंद सिंह डोटासरा ने 21,705 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं बात करें साल 2013 के विधानसभा चुनाव में, तब भी कांग्रेस से गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी से सुभाष महेरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने 55,730 वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी की सुभाष महरिया को 45,007 वोटों के साथ हार स्वीकार करनी पड़ी थी। वहीं बात कर लेते हैं साल 2018 के बारे में, तो वहीं विधानसभा चुनाव में तब भी कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के दिनेश जोशी को चुनावी मैदान में देखा गया था। साल 2018 के चुनावों में गोविंद सिंह डोटासरा ने 98,227 वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी के दिनेश जोशी को 76,175 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा था। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे उन विधानसभा क्षेत्रों की जिस पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई है। नमस्कार।